हाय बच्चों, मैं सीमा सलजनन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट किया है और मैं जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स पे जाने से पहले एक छोटा छोटा जो भी टर्म है जो आपको जेनेटिक्स और इंटरेस्टिंग बना सकता है वो सारे टर्म्स को क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि जब जेनेटिक्स आप अच्छे से डिटेल पढ़िए, मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स, तो आपको समझ में भी आए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस के बारे में, बट बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में, और ये डिफरेंस अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे चैनल का मेन मोटो है, नाम से क्लियर है, साई बेसिक्स, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ, आपके बेसिक पे मैं वर्क करना चाहती हूँ, ताकि आपका बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आप अगर नींव अच्छी होती है तो मकान तो मजबूत बन ही जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? तो टर्म हेरिडिटी, देखिए टर्म हेरिडिटी क्या होता है, तो इट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को ही ट्रेट भी बोला जाता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, या फिर हमारे दादा जी से हमारे पेरेंट्स में आते हैं, फिर पेरेंट्स से हम में आए हैं, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है पासिंग का उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, जो भी गुण या दोष आपके पेरेंट्स का आप में आया है तो उसी पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। ऑल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसमिशन, जितने भी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं वो इस ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है, तो जैसे पूर्वज हमारे दादाजी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होकर हमारे पेरेंट्स में आते हैं, फिर पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं, तो इस तरह के ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इट इंक्लूड्स बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक, और ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इफेक्ट दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, दोनों चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज़ में, पासिंग ऑन जनरेशन में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो अब ये हेरिडिटी टर्म से आप समझ गए होंगे क्या होता है, मीन्स किसी जीन का, जैसे कि आप सुने होंगे फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं कि इसके तो हेरिडिटी में ये कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी फैटी पेरेंट्स हैं, हालांकि एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फैटी होने के लिए, बहुत से फैक्टर काम करते हैं, बट आपने सुना होगा कि इनके पेरेंट्स भी फैटी हैं तो बच्चे भी मोटे मोटे हो रहे हैं, तो ये तो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। विकास देवीकृति सर जो हमारे बहुत सीनियर हैं, तो जैसे कि उन्होंने एक मैंने सुना था कि गुण और दोष भी तो हमारे ही होंगे, तो वो जो गुण और दोष है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं वही क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, हाउ, कौन सा पाथवे फॉलो होता है, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, उसको क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इनहेरिटेंस इट डिस्क्राइब्स हाउ दीज जेनेटिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एंड पास डाउन थ्रू जनरेशन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये जो ट्रेट हैं या जो ये गुण या दोष जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इट फोकसेज ऑन पैटर्न्स ऑफ ट्रेट ट्रांसमिशन सच एज डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, जीन्स, एलील्स, ये सब क्या है, मैं एक एक टर्म छोटे छोटे टर्म्स को सारा मैं वन बाई वन करके क्लियर करूँगी, अभी आप इतना समझिए। इनहेरिटेंस डिटेल्स द एक्सप्रेशन एंड पाथवे ऑफ दीज ट्रेट ट्रांसमिशन, ये जो इनहेरिटेंस है वो एक्सप्रेशन और जो पाथवे होता है ट्रेट ट्रांसमिशन का उसके डिटेल के बारे में बताता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है, जीन का ट्रांसमिशन होता है, अब ये जीन कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, कौन सा एलील उस कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता है, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। अब दो टर्म यहाँ आया, एक जीन और एक एलील, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, एक एक मिनट का शॉर्ट्स भी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको दूँगी, ताकि एक एक छोटे से छोटे टर्म, अभी तक आपने हेरिडिटी को बहुत लोग फ्रिक्वेंटली इनहेरिटेंस के साथ भी यूज़ करते थे, बट मुझे लगता है इस वीडियो के बाद अब क्लियर हो गया होगा कि हेरिडिटी टर्म क्या होता है और इनहेरिटेंस टर्म क्या होता है, तो आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, और जब डिफरेंसेस बेसिस पे हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।